आज का वरदान सर्वसत्ताओं को सहयोगी बनाए प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। मस्तक पर चमकते हुए अपने अविनाशी ज्योति बिंदु स्वरूप को अनुभव करें, जैसे मैं इन पंच तत्वों के देह में रहते हुए भी जग से न्यारी और एक बाबा की प्यारी हूं, ऐसे इस सृष्टि की सर्वात्माएं भी एक पिता परमात्मा की संतान है। अंतिम जन्म में अंतिम देह में सब अलग अलग देह रूपी वस्त्र धारण कर अलग अलग क्षेत्र में अपना निर्धारित पाठ बजा रहे हैं। अनुभव करें संपूर्ण विश्व में भिन्न भिन्न सत्ताओं में निमित्त आत्माएं वास्तव में शिव बाबा के ही बच्चे हैं। सबका मूल आधार वो बीज हमारा परम पिता शिव बाबा है। ये बेहद की आंतरिक वृत्ति हमारे मन में सबके प्रति समभाव श्रेष्ठ भाव इमर्ज करते हैं। चाहे कोई धर्म सत्ता में आत्मा है या राज्य सत्ता में या साइंस की सत्ता में, किसी भी वर्ग में किसी भी कर्म के निमित्त कोई भी आत्मा है, पर वास्तव में हम सब भाई भाई हैं। ये सत्य ज्ञान हमारे मन में सबके प्रति स्नेह और सहयोग की भावना उत्पन्न करता है। सबके प्रति
कल्याण का भाव इमर्ज करता है। जो भी है, जैसे भी है, कितना भी अपने पिता को जानते हैं, पर मूल वतन में हम सब एक पारलौकिक कुटुंब के सदस्य हैं। महसूस करें हमारे भीतर की ये पवित्र भावनाएं आत्माओं को बाबा के समीप ला रही है। और साथ ही एक दूसरे के भी स्नेही सहयोगी बना रही है। महसूस करें कि सर्व सत्ताओं की सर्वात्माएं एक साथ एक ही मंच पर एकत्रित होकर एक ईश्वरीय सत्ता, श्रेष्ठ सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता को पहचान चुकी है। सबकी नजर एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा की ओर है। ये स्नेह मिलन स्नेह का ये पवित्र सूत्र सर्वात्माओं को अति समीप ला रहा है। चुंबक की तरह सब संगठित होकर बाबा की स्टेज पर पहुंच परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन गए हैं। महसूस करें इस सर्वश्रेष्ठ सेवा को जो हमें परमात्म प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने के निमित्त बना रही है। ओम शांति।